नमस्कार दोस्तों, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं मिथिलेश, सीसीटीवी कैमरे का मैं ट्रेनिंग देता हूं यहां पर। मैं आज आपको इस वीडियो में सीसीटीवी कैमरे के एक ऐसे कनेक्टर के बारे में बताने जा रहा हूं, कनेक्टर जिसको कनेक्टर आप बोल सकते हो, जिससे रिलेटेड फॉल्ट्स आपके यहाँ आती रहती है। मीन्स आप कहीं पे जाते हो, आपका कस्टमर कहता है कि भैया मेरा कैमरा में वेव की तरीके से फॉल्ट आ रहा है, या कैमरा मेरा चलते चलते बंद हो जा रहा है, इस तरीके के बहुत फॉल्ट आते हैं। तो उस तरीके के फॉल्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये फॉल्ट किस पार्ट से रिलेटेड होता है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो। मैं आज आपको वीडियो बैलून के बारे में बताने जा रहा हूँ कि सीसीटीवी कैमरे में वीडियो बैलून का क्या यूज है, क्या काम होता है सीसीटीवी कैमरे में वीडियो बैलून का, किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, कहाँ इससे रिलेटेड क्या फॉल्ट आता है, ये सारी चीजें मैं बताता हूँ। देखिए, वीडियो बैलून, ये हमारा वीडियो बैलून है, इस तरीके का आपको वीडियो बैलून पेयर में मिलता है। और वीडियो बैलून का यूज, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वीडियो बैलून का यूज कहां पे करते हैं, किसके बदले करते हैं। वीडियो बैलून का यूज हम करते हैं बीएनसी कनेक्टर की जगह, मीन्स की बीएनसी कनेक्टर की जगह दोनों साइड, कैमरे के भी साइड और डीवीआर के भी साइड, कैमरे के भी साइड और डीवीआर के भी साइड, दोनों साइड हम वीडियो बलून का यूज करते हैं। अब वीडियो बलून का यूज होगा कहां पे, इससे रिलेटेड क्या फॉल्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले हम फॉल्ट समझ लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्या फॉल्ट्स आते हैं। अगर आपके कैमरे में वेव्स, मींस की कंपन टाइप से होने लगा, वेव्स दिखने लगे, आपके कैमरे की स्क्रीन पे वेव्स टाइप से दिख रहा है, झिलमिलाहट टाइप से दिख रहा है, उस तरीके के फॉल्ट्स वीडियो बैलून से रिलेटेड फॉल्ट्स होता है। मींस कि इस तरीके के फॉल्ट्स को सही करने के लिए हम वीडियो बैलून का यूज करते हैं। अब वीडियो बैलून में ये फॉल्ट्स आता क्यों है, ये भी हमें समझना है। और इस वीडियो बैलून का यूज जो हम करते हैं एसडी कैमरा, एएसडी कैमरा, एसडी सीबीआई कैमरा, एसडी टीवीआई, इन सारे कैमरे में यूज करते हैं। आईपी कैमरे में वीडियो बैलून का यूज नहीं होता है। अब वीडियो बैलून कैसे सही करता है, काम क्या है इसका। जैसे आप देखते होंगे कि पहले जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था तो टीवी के बगल में एक बूस्टर होता था, और बूस्टर से क्या करते थे, हम झिलमिलाहट को साफ करते थे, मींस कि हम बूस्ट करते थे, सिग्नल को बूस्ट करा के पिक्चर क्वालिटी को अच्छा दिखाते थे अपने टीवी स्क्रीन पे। उसी तरीके से वीडियो बैलून क्या करता है कि जब भी आपका कैमरा इस तरीके के वेव्स दिखाता है या इस तरीके से झिलमिलाहट अपने स्क्रीन पे दिखाता है, तो ये वीडियो बैलून करता क्या कि उस झिलमिलाहट को, उस वेव्स को रिफाइन करके, बूस्ट करके स्क्रीन पे इमेज को क्लियरिटी देता है। लेकिन अब यूज कहां करेंगे और क्यों ये फॉल्ट आता है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वीडियो बैलून का ज्यादातर जो यूज होता है आउटडोर में होता है, मींस कि अगर कैमरा आपका बाहर लगा हुआ है तो, और इसकी एक लिमिट है, दूरी है। देखिए, जनरली 60 मीटर से कम में वीडियो बैलून लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मींस कि डीवीआर से अगर कैमरे की दूरी 60 मीटर है, 60 मीटर है, तो आप वीडियो बैलून न लगा के बीएनसी कनेक्टर ही कैमरे के साइड और डीवीआर के साइड लगा सकते हैं। लेकिन आउटडोर में अगर आपका 60 मीटर, मेरा सजेशन है कि 50 मीटर के बाद आप वीडियो बैलून का यूज कर सकते हो, 60 मीटर के ऊपर जैसे ही कैमरा आउटडोर में लगाते हो आप, इस तरीके के वेव्स कैमरे के स्क्रीन पे वेव्स, झिलमिलाहट ये आने लगती है। तो उसको दूर करने के लिए, उस तरीके के फॉल्ट्स को दूर करने के लिए हम इस वीडियो बैलून का यूज करते हैं। ये वीडियो बैलून आपको मार्केट में 60 से 70 रुपया, 100 रुपये तक मिल जाता है, और पेयर में ही आता है। एक जो यूज होता है कैमरे के साइड, ये कैमरे के साइड एक जो यूज होता है, ये कैमरे के साइड यूज होता है, और दूसरा जो यूज होता है डीवीआर के साइड। जैसे आप बीएनसी कनेक्टर भी लगाते हैं तो डीवीआर और कैमरे दोनों साइड लगाते हैं, तो एक डीवीआर के साइड और एक कैमरे के साइड, इस तरीके से वीडियो बैलून का यूज करेंगे। अब इसको अगर 60 मीटर से दूर यूज, कैमरा 60 मीटर से ऊपर लगाएं, तो हमेशा आपको वीडियो बैलून का यूज करना है। ये क्या करता है, वीडियो को फिल्टर करके, बूस्ट करा के आपके स्क्रीन पे ओके दिखाता है, हर एक
कैमरे में ज्यादातर आप देखते होंगे कस्टमर का फोन आता है कि भैया मेरा कैमरा कंपन जैसा हो रहा है, मींस की वेव जैसा चल रहा है, तो फॉल्स वीडियो बलून से रिलेटेड होता है। उस समय आपको बीएनसी कनेक्टर की जगह वीडियो बलून लगाना होता है। तो ये वीडियो बलून का काम है। इंडोर में इसकी कोई जरूरत नहीं होती ज्यादातर, और इंडोर में बहुत कम प्रॉब्लम्स ऐसी आती है, लेकिन आउटडोर में ये प्रॉब्लम्स हमेशा फेस करने को मिलता है कंपन का। तो ये वीडियो बलून का यूज है। वीडियो बलून आप कैट सिक्स केबल के साथ भी यूज कर सकते हैं। कैट सिक्स मीन्स की दूरी आप 100 मीटर पे लगा रहे हो, 150 मीटर पे कैमरे लगा रहे हो, उस कंडीशन में आपको वीडियो बलून यूज करना ही करना है, तभी आपका सिग्नल बूस्ट होके डिस्प्ले पे स्क्रीन पे इमेज वीडियो अच्छा दिखाएगा। तो वहां पे भी कैट सिक्स केबल में आप दो जो वायर लेंगे वीडियो के लिए, वहां पे एक साइड कैमरे के साइड वीडियो बलून यूज कर सकते हैं और एक डीवीआर के साइड वीडियो बलून का यूज कर सकते हैं। इस वीडियो बलून में प्लस और माइनस होता है, जैसे बीएनसी कनेक्टर में प्लस माइनस होता है, इसमें भी प्लस माइनस होता है। वीडियो का प्लस जो वीडियो मेन कनेक्शन केबल है वो प्लस में लगाएंगे और एक आप माइनस बना सकते हैं। तो वीडियो बलून बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिवाइस मान सकते हो, कनेक्टर मान सकते हो, जो सीसीटीवी कैमरे में एक क्लियरिटी का रोल प्रदान करता है, रोल देता है। मीन्स कि आपको इस वीडियो बलून से बहुत ही वेब्स के तरीके के फॉल्ट्स को सही कर सकते हैं, और ये प्रॉब्लम आती रहती है मार्केट में। ये वीडियो बलून आपको आसानी से अवेलेबल मिल जाता है आपको आसानी से मार्केट में कहीं भी किसी भी सीसीटीवी कैमरे की दुकान पे मिल जाता है। इस तरीके का फॉल्ट आए तो आप वीडियो बलून का यूज करिए, आपका फॉल्ट सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको वीडियो बलून का कंप्लीट बताया कि वीडियो बलून का क्या यूज है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेके आऊंगा। आप हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कोर्स करने को मिलेगा। आप यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कोर्स कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे का, एलईडी टीवी का, लैपटॉप का, मोबाइल का, ये सारे कोर्स हम यहाँ पे कराते हैं। आप हमसे अगर ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स करना है तो आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में या हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।